गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स दिया हुआ एक फंक्शन, ठीक है। और इसका एक हमारा दिया हुआ कंडीशन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड दूसरा कंडीशन दिया हुआ एफ ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है वो टर्म्स। देन हमें सो करनी है, ये जो सो है लिमिटिंग एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा इक्वल टू जीरो होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ होगा वो कैसे होगा, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म्स है ना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऐसे लिखाती है, लिमिट x टेंस टू जीरो और y टेंस टू जीरो लिखाती है f ऑफ x y, ये फॉर्मेशन जो होती है ये हमारी होती है सिमल्टेनियस लिमिट के, ठीक है सिमल्टेनियस लिमिट याद रखिएगा। और रिपीटेड लिमिट जो होती है वो इस तरीके से लिखाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो फिर से लिमिट लिखाएगा y टेंस टू जीरो और f ऑफ x y, ये फॉर्मेशन होती है। तो अगर रिपीटेड लिमिट पूछेगा तो इस फॉर्मेशन में निकालनी है सिमल्टेनियस लिमिट, ये हमारा फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सो दैट दिस वन, तो सिमल्टेनियस लिमिट बोला जाता है, या फिर आपका सिमल्टेनियस लिमिट लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है सो दैट दिस सिमल्टेनियस लिमिट, ठीक सिंपल इसका सिमल्टेनियस लिमिट। तो देख लीजिएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। तो अगर रिपीटेड लिमिट पूछा तो दिस वन, एंड फिर एक और निकालनी होगी तो पहले y टेंस टू जीरो फिर लिमिट x टेंस टू जीरो देन f ऑफ x y, ये फॉर्मेशन निकालनी होगी, देन हमारा रिपीटेड लिमिट हो जाता है। तो यहाँ बात हो रही है सिमल्टेनियस लिमिट की ही शो करनी है, तो चलिए इसका देखते हैं कि प्रूफ कैसे होती है। और इससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगी। सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है वी हैव क्या ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ दिस इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर साइन वन अपॉन में एक्स दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन जो दिया हुआ है वो कंडीशन हम बगल में लिख देते हैं, दिस वन दिस इक्वल टू जीरो। नाउ अब देखिए एक आती है हमारी एप्सिलॉन डेल्टा की डिफिनेशन होती है, ठीक है एप्सिलॉन डेल्टा की डिफिनेशन क्या होती है यहाँ आपको पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना होगा, तो दिखाना ये होगा कि हमारा जो एक्चुअली में जो ये रिजल्ट दिया एफ ऑफ एक्स वाई दिस वन, ये जो भी रिजल्ट हो यहाँ राइट साइड में जो भी रिजल्ट रहेगा वो टर्म्स वाई स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स और माइनस क्या होगा जीरो, और इसकी क्या होगी मोड दिस वन, और ये जो होगा वो लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा, और एप्सिलॉन होता है एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एप्सिलॉन डेल्टा के डिफिनेशन से दिस वन ये फॉर्मेशन हमारा आएगा। और व्हेन एवर कब होगा, तो इसके पीछे भी कंडीशन रहती है, वो कंडीशन भी लिखनी होगी, ठीक है व्हेन एवर क्या होता है, तो कंडीशन होता है हमारा x माइनस जीरो का मोड जो होगा वो लेस देन क्या होगा डेल होगा, ठीक है, और y माइनस जीरो का मोड जो होगा वो लेस देन क्या होगा डेल होगा, ये कंडीशन होती है, ठीक। और इसी तरीके से टू कॉपी लिखनी है, आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में, बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक। नाउ अब इसे सॉल्व करनी है, ये हमें दिखानी दिस वन एंड इसे सॉल्व करनी है अब, ठीक है। तो नाउ क्या होगा, ये टर्म्स हमारा जो है ना वाई स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स और माइनस जीरो का ये हम मोड लिए, ठीक दिस वन ये लेफ्ट साइड का ये टर्म लिए, देन तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं दिस माइनस जीरो, मतलब क्या हुआ कि वन माइनस जीरो मतलब वन हुआ, तो ये टर्म्स माइनस जीरो मतलब यही टर्म्स हमारा बचेगा, देन हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स का ये हमारा मोड बचेगा यहाँ पे, ठीक है इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देन इसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं ऊपर, ठीक है देखिए इसके बाद दिस इक्वल टू क्या होगा कि यहाँ पे मोड है तो ये अलग अलग मोड हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, हमारा रहता था ए बी का अगर मोड है तो इसको हम लिख सकते हैं ए का मोड और बी का मोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाई स्क्वायर और साइन वन अपॉन एक्स अलग अलग दो टर्म्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का मोड और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन वन अपॉन एक्स का मोड, कोई दिक्कत
दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से मूड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स हमारे होता है क्या, एक्चुअली में यहाँ पे लेस देन इक्वल होगा, कैसे होगा मैं बताती हूँ। यहाँ जो ये टर्म्स है इसको हम लोग यहाँ सेंस करके लिख देते हैं कि साइन 1/x का जो मोड होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल का 1 होता है। तो लेस देन इक्वल हुआ और इक्वल, तो दोनों में से क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखाता है, लेस देन इक्वल लिखाएगा, ठीक है। और इसे हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये कंडीशन है, तब जाके हम ये ऐसा फॉर्मेशन डालें। साइन 1/x का जो मोड है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब यहाँ पे 1, तो 1 और मल्टीप्लाई विथ वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही टर्म्स हमारा बचता है। देन तो ये जो है y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल की फॉर्मेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। डेल की फॉर्मेशन में जैसे डालेंगे तो ये हमारा लेस देन बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा डेल स्क्वायर। यहाँ पे भी कंडीशन लिखेंगे y का जो मोड है वो हम डाल रहे हैं लेस देन डेल, ठीक है। तो y का मोड तो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दिस वन, ये कंडीशन हमारा हो गया, ठीक। और बोल सकते हैं कि x का भी जो मोड होता है, एंड करके भी लिख सकते हैं, एंड x का जो मोड होता है वो भी हम लेस देन डेल ही डालते हैं, y रहे या फिर x आई जो भी आता तो उसको हम लोग लेस देन डेल ही डालते हैं, ठीक। ये हुआ देन, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि लेस देन हमारा डेल स्क्वायर, एक्चुअली में प्रूफ क्या करना था, ये टर्म्स था, ये पूरा टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन करना था, इस तरीके से करना था, ठीक है। तो लेट हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन हम मान लेंगे, ठीक है। डेल स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन हम मान लेंगे, तो एप्सिलॉन मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए मैं क्लियर आ रहा है, क्लियर तो आ रही है, इसे हम इरेज करते हैं, जो प्रूफ करना था ना वो प्रूफ हमारा हो चुका है। देन वी हैव क्या हुआ, वाई स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 का मोड जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। उसी इसी को तो सॉल्व किए थे ना, इसी को सॉल्व किए तो देखिए एप्सिलॉन आ गया हमारा, ठीक है। एक्चुअली देन व्हेनेवर, अब कंडीशन चेंज होगा, क्या होगा कि y का जो मोड है वो लेस देन डेल, यहाँ जो हमारा आया है, और x का जो मोड है वो हमारा हो जाएगा लेस देन डेल, ठीक है। हेंस हो सकता है लिमिट x y, ये जो है टेंस टू 0, 0, या x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 लिख सकते हैं, दिस इज f ऑफ x y इक्वल टू 0, ये होती है हमारी प्रूफ। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन को प्रूफ करना, बहुत ही ज़्यादा इजी था। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे वीडियो में।